जीडीए उपाध्यक्ष प्रेमरंजन सिंह ने महायोजना पर बोलते हुए कहा कि महानगर के अगले 20 साल के विकास के लिए महायोजना बनाई जा रही है, जिसकी तैयारी चल रही है, जिसमें मंडलायुक्त के द्वारा सभी विभागों से सुझाव लेने के लिए बताया गया है, जिससे उनके सुझाव को भी इस महायोजना में शामिल किया जाए, जिसको देखते हुए सभी विभाग अपना अपना सुझाव दे रहे हैं, जो कि अभी जारी है। सभी सुझावों को बोर्ड में रखा जाएगा, जीडीए बोर्ड उस पर निर्णय लेकर के जो भी बदलाव करना है उस पर चर्चा करके पास हो जाएगा। उन्होंने कहा अगले 3 महीनों के अंदर ही महायोजना शहरवासियों को मिल जाएगी और शहर के विकास में फायदा मिलेगा, जिसमें सड़क चौड़ीकरण, मोहल्लों के नक्शा पास सहित अन्य योजना शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि गोरखपुर की निरंतर विकास हेतु अगले 20 साल के लिए एक नई महायोजना बनाई जा रही है और महायोजना अभी उसी प्रोसेस में है बनने के। इसमें आयुक्त महोदय द्वारा सभी विभागों से कंसल्टेशन के लिए बोला गया है, ताकि वो क्या इस शहर के बारे में सोचते हैं और उनका क्या सुझाव है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो उसी क्रम में एक बैठक हुई थी और उसके बाद सभी विभाग इसमें अपना अपना सुझाव दे रहे हैं, तो अभी उसी स्टेज पे है। सारे विभागों से जो सुझाव आएगा उन सारे सुझावों को बोर्ड में रखा जाएगा और बोर्ड उस पर फिर निर्णय लेके और जो भी उसमें चेंजेस करने होंगे या नहीं करने होंगे वो सारा करके बोर्ड से पास हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर ही महायोजना इस शहर को मिल जाएगी और शहर के सुनियोजित विकास में हमें फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये महायोजना जो होती है वो पूरे शहर के लिए होती है, तो पूरे शहर को ही लाभ मिलता है। इसमें बहुत सारे नए रेजिडेंशियल एरिया क्रिएट किए जाते हैं, बहुत सारे नए कॉमर्शियल एरिया क्रिएट किए जाते हैं, बहुत सारे नए नए रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव होता है, नए रोड्स का प्रस्ताव होता है। जो ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं जो कि विनियमितीकरण में चल रहे हैं, वो उसमें रेगुलर होने की उसमें संभावना रहती है, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बहुत सारे यहाँ मोहल्ले ऐसे हैं जो कभी वहाँ पर नक्शा पास नहीं होता था, कभी उसके लिए किसी महायोजना में प्रयास नहीं किया गया, इस बार उसमें प्रयास किया जा रहा है, उसको बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी वो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे शहर को ही फ़ायदा होगा इससे। कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो भी शहर में रहते हैं सभी लाभान्वित होंगे।